कोरोना वायरस के समय आपको बैक्टीरिया से बचाने के लिए लाया है। गो ग्रीन N95 मास्क। डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए संपर्क करें। खजौली थाना क्षेत्र के दयाल पाली वार्ड 2 में पुश्तैनी जमीन की अदलेन बदलेन को लेकर दो गुटों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें एक पक्ष के एक महिला समेत 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। परिजन के द्वारा तत्काल सबों को इलाज के लिए PHC खजौली लाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक प्रवीण रंजन ने प्राथमिक उपचार कर सदर अस्पताल मधुबनी रेफर कर दिया। घायल में संजीव कुमार सिंह, राजीव कुमार सिंह, मनोज कुमार सिंह, राकेश कुमार सिंह एवं दुखनी देवी शामिल है। घायल संजीव कुमार सिंह ने बताया कि पुश्तैनी जमीन की अदलेन बदलेन पिछले कई वर्षों से विवाद चल रहा था। उस जमीन के दस्तावेज दिखाने को लेकर शनिवार की दोपहर बुलाया गया। कागज दिखाने के लिए जो ही पहुंचे कि पूर्व से नियोजित ढंग से गाली गलौज करते हुए धारदार हथियार, लाठी, फरसा, रॉड, डंडा से सुभाष सिंह, विकास सिंह सहित दर्जनों लोगों ने हमला कर सबों को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। इधर थाना अध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही प्रशिक्षु दरोगा राम कुमार पासवान सहित सशस्त्र पुलिस बल को घटनास्थल पर भेज दिया गया। तब तक सभी इलाज के लिए PHC पहुंच गए, आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन प्राप्त होते ही FIR की प्रक्रिया की जाएगी। हम लोग घर पे ही थे, भैया घर में सो रहे थे, वहाँ से जो कि हरी सिंह आया है भैया को बुलाने के लिए, जो पिछले एक महीने से गुटबाजी कर रहा था, मारेंगे मारेंगे, तो हम लोग कहीं जाते नहीं थे, आया है बुलाने के लिए, इधर आइए। घर से निकले भैया, हम भी जगह, छोटे वाला भाई भी दरवाजा पे ही था, जैसे निकले कि वो लोग 15-20 लोग से उस दीवार के साइड में लाठी भाला और फरसा उरसा ले करके खड़ा था। जैसे आए वहाँ पे कि वो लोग सब लोग घर में घुस करके मारना, धुरा को से मारा, खींच करके मारना चालू कर दिया। भैया का हाथ काट दिया है, अंगूठा सरा, हमने दोनों जंघा तोड़ा हुआ है, तो ये भाई भी तोड़ दिया है। किस मामले के लिए झंझट हुआ? ये बोलने के लिए आया था, जमीन का कागज दिखा रहे हैं। इन लोगों का पता नहीं पहले से कोई कुनस था क्या था, वो गुवाड़ी, उसकी वजह से अभी फिलहाल जमीन का कागज दिखाने के लिए आया था। और आपका कोई रिलेशन है कि गांव का कोई? गांव का है, पहले से। क्या नाम है उसका? सुभाष सिंह है, सुभाष सिंह, हरी सिंह, जो संजय सिंह, मुकेश सिंह, चार भाई मुकेश सिंह था, दो भाई तीन। कितने दिनों से झंझट चल रहा था? ये पिछले एक महीना से गुटबाजी कर रहा था मारने के लिए, इसलिए हम घर से निकलते ही नहीं थे। हम लोग अभी तो हॉस्पिटल भी नहीं आने दे रहा था, एक घंटा से घेर रखा था हम लोग। जमीन का मामला क्या बंटवारा का था? नहीं, बंटवारा का नहीं था, वो घर के सामने में जमीन है हम लोगों का, उसमें बोलता है जमीन हमारा है, जबरदस्ती बोल रहा है हमारा जमीन है, हमारे बाबा दादा के कब्जे से ही वो जमीन आ रहा है। और आज एक आया है बोलने के लिए कि कागज देखो, ये जमीन मेरा है, मेरा जमीन खाली करो, और ये हमारे 100 वर्ष से ऊपर से हमारे पूर्वज का अधिकार उस पर है। अभी भी हमारा उसमें से माने भरा हुआ है, गाड़ी हमारा, ट्रैक्टर वगैरह सब कुछ उस जमीन पे लगा हुआ है। ये लोग जबरदस्ती आया था कि हटाओ यहाँ से, और ये जमीन मेरा है। कौन सा भैया? सुभाष सिंह, विभास सिंह, मनोज सिंह, राकेश सिंह, मुकेश सिंह, मुरारी, संदीप, उसके बाद ये संजय, सरोज सिंह, उसके बाद दीपक सिंह, कन्हैया कुमार सिंह, उसके बाद नूनू सिंह जो दरभंगा में कंपाउंडरी का काम करता है, वो भी। किस चीज़ से मार किया? लाठी, फरसा, और मुकेश सिंह के हाथ में पिस्टल भी था, सबके हाथ में। ये फरसा से हमारा काटा है, पानी में डुबा डुबा के मारा है, पानी में अगर नहीं डूबते तो काट देता आज मुझको। ये देख रहे हैं हमारा जो पानी में भींगा हुआ है, पानी में वो गड्ढा है, गड्ढा में हम कूद गए। मेरा नाम संजीव कुमार सिंह है। घर दयाल।